एक तरफ जहां कोरोना मामले में लेकर भारत विश्व रिकॉर्ड बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ श्रावस्ती जनपद में भी कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे हैं और भारी संख्या में लोगों की संख्या जो है वो पॉजिटिव आ रही है। आज की बात करें तो आज 151 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग के में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों तक पहुंचने में लगी हुई है, जिससे लोगों को क्वारंटाइन कराया जा सके या अस्पताल भेजा जा सके। श्रावस्ती जनपद में वृहद स्तर पर लगातार चेकिंग की जा रही है और लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वो घरों से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें, परंतु लोग अब भी लापरवाह दिख रहे हैं। ऐसे में जिला अधिकारी ने भी जिलेवासियों से अपील की है कि हवा में कोरोना फैल चुका है, लोग सावधान रहें, अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें। लगातार मास्क के विरुद्ध अभियान भी चलाया जा रहा है, परंतु लोग समझने को तैयार नहीं, जिसके चलते लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले श्रावस्ती में एक दिन में 151 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर लोगों की लापरवाही किस हद तक सामने आ रही है। अगर इकौना इलाके की बात की जाए तो इकौना में 33 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जबकि पूरे जिले में 151 लोग आज संक्रमित पाए गए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर आप देख पा रहे हैं। कोरोना अपडेट, आज की अपडेट में 151 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला अधिकारी ने भी श्रावस्ती के जिलेवासियों से अपील की है, सुनिए जिला अधिकारी की अपील। जिला श्रावस्ती के नागरिकों, आप लोग सब लोगों को मैंने कल एक सूचना दी थी, मेरे संज्ञान में ये आया है कि गांव बामे पारा में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के परिवारों को जो है आप लोगों ने जो है इस तरीके से बदनाम किया है कि जो लोग जो है अपने सामान तक नहीं बेच रहे उनको, ये गलत बात है। आप सब लोगों को जो है ये पता रहना चाहिए कि सही समय पे इस चीज़ के पता चल जाने पे इसका इलाज हो सकता है। किसी को तिरस्कृत या हीन भावना से ना देखें। आप सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि जो है आगे बढ़ के आइए, और जो भी आपके प्रवासी मजदूर या प्रवासी लोग जो नौकरी जो है वहाँ से छोड़ के आए हैं, उनके बारे में हमें जानकारी दे, ताकि ससमय जो उनकी जाँच हो सके। यदि कोई पॉजिटिव भी आता है तो आपको सहयोग करना चाहिए, ना कि जो है उसके तिरस्कृत करना। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप लोग सहयोग करिए। जिला श्रावस्ती के नागरिकों, मैं आपका जिला अधिकारी बोल रहा हूँ। आपको सूचित करना है कि कोरोना जो है हवा से फैल रही है, इसलिए आपको जो है मास्क सही तरीके से पहनना, जैसे मैंने पहना हुआ, नाक और मुंह ढक के, बार बार आप हाथ साबुन से धोएं, गर्म पानी का भाप आप निरंतर लें, और यदि आपको कोई शिकायत है इन लक्षणों के, जैसे बुखार लगातार आना, आपको सांस में तकलीफ होना, शरीर में दर्द होना, तो आप जो है तत्काल अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपनी RT-PCR टेस्ट करवा लें, और आप अपने आप को आइसोलेट कर लें अन्य परिवारों से। और आपको ये भी सूचित करना है कि प्रवासी मजदूर जो लौट के आएंगे उनके बारे में आपको ज़िला प्रशासन को सूचना देना है, उनका RT-PCR टेस्ट के बिना अपने घरों में प्रवेश न दें, चूँकि कोरोना का संक्रमण जो है साथ में लेकर आ रहे हैं प्रवासी मजदूर, इसलिए जो है और भी घातक हो रहा है। तो आप तत्काल इन नंबरों पे और इन अधिकारियों को आप तत्काल सूचित करेंगे, जैसे आपके ग्राम निगरानी समिति के आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, ANM, आपके सचिव, आपके लेखपाल, CMO साहब, MOIC, जिला अधिकारी और अन्य अधिकारियों के नंबर जो है आपको दिया जा रहा है, अब इन पर जो तत्काल सूचित करें। धन्यवाद।